हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल शिवांगी न्यूजीलैंड व्लॉग्स। आई होप आप सब हेल्दी, फिट एंड फाइन होंगे। आप में से जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि दिस इज़ अ पार्ट टू ऑफ माय वीडियो अ विजिट टू कॉर्नवॉल पार्क, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, जहां मैं रिसेंटली गई थी और मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आपको इसका पार्ट वन देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप यू विल एंजॉय वॉचिंग इट। देखो अब हम आ गए हैं वो पूरी स्टेप्स से ना, पीछे सीढ़ियों से उतर के अब हम नीचे इसमें पार्क में आ गए हैं ग्रास पे। और ये देखो पूरा व्यू, सारा ग्रीन ग्रीन ग्रास के बीचों बीच, बहुत बड़ा पार्क है ये देखो। चिड़ियों की आवाज़ पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे तो आ रही है इधर। ये जो पेड़ है ना एक बड़ा सा, इसमें आ रही है। चलो तो अब हम थोड़ा थोड़ा चलते हैं इसमें आगे और देखते हैं इसमें पार्क में, आपको दिखाते हैं। ओह गायब हो गई जैसे ही मैंने कैमरा घुमाया। देखो कितना बड़ा पार्क है, देखो कितना अच्छा है। ये देखो छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स, ये वाइट फ्लावर्स छोटे छोटे ग्रास में हो गए हैं। ये ऐसे रियल में तो बहुत अच्छा दिख रहा है बट वीडियो में उतना अच्छा शायद नहीं आ रहा है। देखो कितने छोटे छोटे फ्लावर्स, इन पे तो चलने का भी मन नहीं कर रहा, तो मैं बच बच के जा रही हूँ ताकि ये दबे ना। और देखो ये कितना अंधेरा है इन पेड़ों के नीचे, तो यहाँ पे हम जाने वाले देखने के इन, ये कौन से पेड़ हैं। वैसे बैनियन के लग रहे हैं पर बैनियन होंगे नहीं, बैनियन के ज़्यादातर इंडिया में लगते हैं, इंडिया का नेशनल ट्री है बैनियन। बहुत लोगों को लगता है कि पीपल का पेड़ है इंडिया का नेशनल ट्री, विच इज़ नॉट ट्रू, बैनियन है बरगद का पेड़। तो अब यहाँ देखो हम आ गए हैं और ये ऐसे लग रहा है इधर तो हॉरर मूवी की शूटिंग हो सकती है। यहाँ तो व्यू भी अच्छा आ रहा है, देखो इधर तो धूप ऐसे वो सनलाइट सी आ रही है। देखो बिल्कुल बड़े बड़े पेड़ हैं मेरे पास, मेरे पास नहीं मेरे पीछे। तो फोटो वोटो खिंच गई है, अब हम और दिखाते हैं आपको अंदर जाके। तो थोड़ा नीचे ध्यान से चलते हैं कि इधर कुछ पड़ा बड़ा ना हो, कुछ पैर में ना लग जाए। ये देखो क्या व्यू है भाई, ऐसे ये इतना अंधेरा और ये बड़े बड़े पेड़ चल रहे हैं। अब इसमें अब हम यहाँ से निकलते हैं और आगे जाते हैं, देखते हैं पार्क में और क्या है। ये देखो एक बेचारा पेड़, ये सूख गया है ये। और एक वो है और वो कुछ ऑफिस बने हुए हैं यहाँ पे। तो हम सीधा चलते हैं, थोड़ा और वॉक करते हैं, देखते हैं और क्या है।
ये इधर पूरा ट्री वाला एरिया है, पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे। इधर तो लगता है घास भी नहीं काटी। ये देखो चिड़ियों की आवाज आ रही होगी। और कैसा लग रहा है पार्क? हाँ, आईज जैसे हमारी लैपटॉप को देख देख के पक जाती है ना और थक जाती है, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, आईज भी खुल गई हैं थोड़ी। हाँ ये देखो सामने वाला पेड़, ये आपको पता नहीं दिख रहा है? हाँ ये वाला कितना बड़ा है, कितना मोटा है, जायंट। ये देखो कितना बड़ा है भाई, इतना बड़ा पेड़, कुदरत का करिश्मा। ये देखो ये कितना ऊपर जा रहा है भाई, कितना ऊपर, और नीचे इसका ट्रंक कितना मोटा है, सबसे मोटा पेड़ है ये मुझे लग रहा है। नहीं और भी है, एक वो सामने भी है, ये थोड़ा कटा हुआ है। ये देखो ये मेरे जूते गीले हो गए घास पे चल चल के, सॉक्स तक पानी पहुंच गया। अब हम थोड़ा इस रोड पे आ गए हैं, ये चलने के लिए बनाया हुआ रास्ता, हम तो वैसे ही वीडियो और फोटो के लिए बना रहे थे। वहाँ लोग जा रहे थे, वैसे लोग चलते हैं, घास पे भी चलते हैं। तो अब इसको हम अभी थोड़ा आगे जाती हूँ, फिर आपको दिखाऊं। आगे आए हैं, ये ऐसी ग्राउंड है, लेफ्ट में क्रिकेट क्लब है, कॉर्नवॉल क्रिकेट क्लब। अगर मैं हाँ तो यहाँ पे आई थिंक क्रिकेट मैचेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैचेस होते हैं, और ये रास्ते से मैं चल के आई हूँ, वो जहाँ पे वो डेंस ट्रीज थे, और ये देखो ये ऑपोजिट साइड का व्यू है, यहाँ पे पूरा ग्रासलैंड्स ही हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। और ये राइट में क्रिकेट क्लब वाला ग्राउंड, और आगे भी सेम है, और आगे मेन रोड है, गाड़ियाँ चल रही हैं बस। तो अब हम दूसरी साइड जा रहे हैं। खेल रहा था वो, देखो वहां पे हाइट पे देखिए, अच्छा पार्क है, बहुत शांति है यहाँ पे। पार्क्स में तभी लोग ना अपनी बिजी लाइफ छोड़ के थोड़ा रिलैक्स होने आते हैं, वॉक करने और अपना माइंड फ्रेश करने, और अपनी आँखों को थोड़ा रिलैक्स करने, क्योंकि आंखें थक जाती हैं सबकी ना स्क्रीन्स को देख देख के, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो। तो यहाँ पे ग्रीनरी देख के, ग्रीनरी पे चल के सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं। आना चाहिए यहाँ पे वीकेंड पे, हमारे तो घर के बहुत दूर है, तो इसलिए हम एक ही बार आए हैं अभी, बट हमें भी आना चाहिए। हाँ ये देखो यहाँ पे सीटिंग का भी है, बेंच वगैरह, ये बेंच लगी है, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, सारा अरेंजमेंट है यहाँ पे। अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये देखो ये सारे पत्ते ना रोड पे चिपक गए हैं, ड्राई हो गए हैं, इन ट्रीज के जो लीव्स गिरते हैं वो सारे चिपक गए हैं। अब हम ये दूसरी साइड जा रहे हैं, बहुत बड़ा पार्क है, पार्किंग की तरफ जा रहे हैं थोड़ा, उधर देखने के उधर कुछ डिफरेंट है या सेम ही है, फिर आपको दिखाएंगे।
ठीक है, तो अभी तो हम चल ही रहे हैं। नहीं, गाड़ी में गर्मी लग रही थी, जैकेट में, तो विंडो खोली थी, पर यहाँ पे ठीक लग रहा है, यहाँ पे अच्छा है, ठंडा है ना, ग्रीनरी है और चलने में थोड़ी हवा भी आती है, तो अच्छा लग रहा है जैकेट में। तो हम इस साइड जाएं या उस साइड जाएं? ये देखो राइट साइड में ये एक सर्कल सा बना हुआ है, ये देखो एक ये सूखा सा पेड़ है और इसके अंदर बहुत ही पत्ते पत्ते पत्ते, ये देखो लीव्स लीव्स लीव्स, पूरा लीव्स का कारपेट बना हुआ है। चलो अभी आपको और आगे दिखाते हैं। ये देखिए ये सारे सूख गए बेचारे, लकड़ियाँ। ये भी कोई टाइप का ट्री होगा शायद, इन लकड़ियों में से कुछ निकलता होगा, ये वो कुछ है तो नहीं, इसमें से कुछ प्रोडक्ट तो नहीं निकलता। ये देखो, पता नहीं दिख रहा आपको, ये सारे लकड़ी हैं, सूखे बंजर। ये देखो आगे आगे पूरा रास्ता, ये देखो सूखे हुए पेड़ ये लगे हैं इस वाले रूट पे। तो देखो आगे सीढ़ियां आ रही हैं, स्टेप्स, तो इस पे जाके हम देखते हैं आगे कहाँ निकलता है। वैसे मेन रोड पे निकल रहा है, पार्किंग पे निकल रहा है ये रास्ता। ये वाइट वाले फ्लावर्स देखो घास पे कितने अच्छे इस एरिया में। अभी हम स्टेयर्स इस पे आ गए हैं। हाँ ये बाहर ही निकल रहा है भाई। और ये बारिश से हो जाता है, देखो पत्थरों पे ना बारिश जब आती है तो ये फिर ऐसे हो जाते हैं गीले गीले हो के, फिर जब धूप आती है उन पे तो ये ऐसे वाइट हो जाते हैं सूख के, बारिश में ग्रीन हो जाते हैं और फिर धूप में ये ऐसे हो जाते हैं। देखो ये देखो इसकी पत्ती, हरी पत्तियां कैसी हैं, बहुत ही अलग सी हैं, अलग सा पेड़ है। सारे पेड़ यहाँ पे अलग अलग हैं भाई, कोई भी सेम नहीं है, सारे अलग लगाए हैं। अब हमने क्रॉस कर लिया है रोड, अब हम दूसरे साइड आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे तो और ब्यूटीफुल लग रहा है, देखिए आप लोग फिर आप बताना आपको कैसा लगा। ये देखो पूरा फुल हाइट से व्यू आपको दिखाते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करके। ये देखो, ये देखिए कितना इधर येलो ऑरेंज ब्राउन सबका कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे लीव्स इतने अच्छे लग रहे हैं ना जो गिरे हुए हैं, ऐसे वो यूके वाली फील आ रही है, जैसे यूके में भी पार्क्स होते हैं और मूवीज में हमने देखा होगा, जैसे हम देखते हैं मूवीज में इतना अच्छा वो पार्क्स में शूटिंग करते हैं लोग। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये ज्यादा अच्छा है उस वाले से, वो सारा ऑल ग्रीन है, यहाँ पे ज्यादा कलर्स है। देखो अब हम आगे जा रहे हैं।
इसमें उतरी। देख रहा था वो आईज में। पीछे एक और आ रहा है। ये देखो अब हम आ गए हैं इस येलो ट्री के सामने। वाओ कितना अच्छा है ये, देखो देखो कितना सुंदर है। वाओ ब्यूटीफुल, देखो ये देखो कितने अच्छे हैं, देखो देखो क्या बेचारे ये वो हो गए क्या, ये सूख क्यों गए? ये देखो कितना अच्छा येलो, साइड आ गए हैं जहाँ ब्राउन लीव्स हैं। ये देखो ये पेड़ कैसा है, ऐसे लग रहा है ये कैसा है, देखो ऐसे लग रहा है चार पांच पांच पेड़ जुड़े हुए हैं, पांच नहीं छः, छः पेड़ जुड़े हुए हैं। देखो कितना अजीब सा है ना, ब्यूटीफुल व्यू देखिए पूरा पार्क का व्यू। ये दूसरी साइड का व्यू है, ये चाइनीज पेड़ हैं, ये सारे बहुत पुराने हैं। और अब हम इस साइड जाएंगे ऊपर और देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये जो रोड दिख रही है ना, ये इस पे जाएंगे और ऊपर जाके देखते हैं क्या है। काफ़ी अच्छा है यहाँ से तो, मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा। इधर अच्छी वो है, इतनी अच्छी स्मेल है ना यहाँ पे इस ट्री की, येलो वाला ट्री जो है वेरी फ्रेश। चलो आगे जाते हैं और देखते हैं। ये देखिए देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ओह क्या ट्रीज हैं ये, देखो आपने देखे हैं आप लोगों ने ऐसे ट्रीज कहीं पे? इंडिया में मैंने नहीं देखे। देखो ब्यूटीफुल, वाव चलो अब हम जाते हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं अब हम, सो आपको कंटिन्यू दिखाएंगे। आ जाओ। लाइक
हस्की डॉग है और ये इधर खेल रहे हैं, ये फोटो खींच रहे हैं बच्चे की और उसको कह रहे हैं ये लीव्स उड़ाओ और फिर फोटो उसने उड़ाए। और इनके पास दो ये डॉग्स हैं। गड्ढा सा बना रहे हैं और देखो देखो रगड़ रहे हैं अपने आप को। देखो ये कुछ मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। देखो जैकी की तरह ओ देखो लोटपोट हो रहा है। देखो खुश हो रहे हैं कुत्ते। कितना अच्छा लग रहा है गाइस, देखो कितना सुंदर पार्क है ये। आप लोग कभी न्यूजीलैंड आओ तो इस पार्क में जरूर आना, चाहे कहीं और जाओ या ना जाओ इस पार्क में जरूर आना, स्पेशली इन येलो ट्रीज के लिए। देखो अब हम स्ट्रेट जा रहे हैं, यहाँ से पूरी सिटी ऐसे लग रहा है दिखेगी, तो अभी हम और आपको सीधा जाके दिखाते हैं सिटी व्यू पूरा। तो हम यहाँ से लेफ्ट, ये राउंड अबाउट से आ गए, तो यहाँ से हम जा रहे हैं सिटी देखने, सिटी का पूरा व्यू, क्योंकि ये हाइट पे है, अब हम हाइट पे आ गए हैं काफी। वो येलो ट्रीज हमने पीछे छोड़ दिए, वो देखो कितना कितना सुंदर व्यू है, वाओ कितना अच्छा। वो देखो कितना अच्छा पूरा पार्क, ये यहाँ पे अभी और है पार्क, आगे जाके और है पार्क। और वहां पे एक शेड बना हुआ है जहां पे ना लोग बैठे हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल सा, इसमें लोग बैठ के खाना वाना और अपना वो उधर से आइसक्रीम वगैरह खरीद के वो खा सकते हैं वहां पे, मतलब रिलैक्स करने के लिए। तो अब सामने आप देखिए सिटी का पूरा, ये देखिए छोटी छोटे वो दिख रहे हैं ऐसे बिल्डिंग्स और घर, ये देखो ये सारा सिटी का व्यू है। उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा पर हाँ है, यहाँ से दिख रहा है। को दिखाते हैं और अब इस शेड की तरफ जा रहे हैं और उसके आगे देख रहे हैं कि क्या है उधर, क्या रेस्टोरेंट है या आइसक्रीम शॉप है, क्या मिल रहा है वहाँ पे। काफ़ी लोग हैं और म्यूज़िक भी बज रहा है तो वो देख रहे हैं। चलिए अच्छा, वो एक बंदा अपना वो वैसी म्यूज़िक, अच्छा एक आंटी जी भी है चाइनीज हैं, वो अपना कुछ म्यूजिक बैंड बजा रहे हैं। ये एक बूढ़ी आंटी बजा रही है। अब हम इधर लेफ्ट में देख रहे हैं, ये देखो कितने डॉग्स आए हुए हैं घूमने। ओहो उसको खेलने जाना है छोटे वाले के साथ, वो कह रहा है खोलो खोलो मुझे खोलो, खेलना है। देखो यहाँ सारे लोग आए हुए हैं
ये है, ये आई थिंक वही है, बिस्ट्रो है ना, टेक अवे, टेक अवे पिकअप है और लोग बैठ के खा भी रहे हैं। जूस वगैरह मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये वाले लोग बहुत आए हुए हैं यहाँ पे, ऐसे लग रहा है इन्हीं का पार्क है। तैयार वैयार हो के आई हैं, जैसे पार्टी में जा रही हैं। दो दो कुत्ते वाले लोग बहुत आए हैं, देखो फिर से दो कुत्ते वाले। आजकल लोग एक नहीं दो पालते हैं। ये देखिए नो पार्किंग लिखा है इधर एनपी। और अब हम कहाँ जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। अब हम घर की तरफ नहीं, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा हमने कवर कर लिया, अच्छे अच्छे पार्ट्स हमने पार्क के कवर कर लिए हैं। ये रेड वाला ट्री आपको दिखाते हैं फिर से, ये शायद मिस हो गया था। जा सकते हैं उधर एक बार अगर जाना चाहें तो। एक यही है अलग कलर का यहाँ पे, बाकी और एक वो येलो सा है, बाकी सब ग्रीन है। देखो ये देखिए, अभी इस साइड से आएगा, ये है थोड़ा, उतना नहीं है, उतने लीव्स नहीं है इसके। देखो रेड, देखो ये है वो, ये रेड कलर का, देखो देखो काफी ऊंचा है रेड। ये अभी इसमें कलर्स दिख नहीं रहे ना वीडियो में ज्यादा, पर ये देखो। और वो उधर पिजन ग्रास पे बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना ये लोग कुछ खा रहे हैं इधर बैठ के, तो उन्हें कुछ खाना मिलेगा। देखिए थोड़ा नज़दीक जाते हैं, लेट्स गो क्लोजर टू द पिजन्स। देखो दाना चुग रहे हैं छोटे छोटे ज़मीन पे, देखो दिख रहे हैं, उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसमें। हाँ ये देखो पिजन्स, ये जहाँ हम रहते हैं वहाँ उतने होते नहीं है, और ये डर भी नहीं रहे। देखो उधर क्या बाहर हो रहा है, धुआं उड़ रहा है, ये उधर क्या हो रहा है बाहर। अच्छा ये देखो इधर कबूतर बैठे हैं बहुत। चलो यहीं से निकलते हैं, ये जो गेट है ये एक छोटा सा गेट है पार्किंग की तरफ। क्या कुछ होगा, और देखो डर भी नहीं रहे, उड़ नहीं रहे हैं, साइड हो रहे हैं बस। देखो उड़ नहीं रहे हैं, साइड हो रहे हैं, ये मांग रहे हैं, गुटरगू कर रहे हैं। ये इधर कुछ बारबेक्यू वगैरह बन रहा है, और ये देखो लोग इधर बारबेक्यू बना रहे हैं, और फिर ये लोग खरीद रहे हैं। वो रेसिपी समझ रही है उससे। और ये पार्किंग लॉट के पास ही है बिल्कुल। अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको मिलते हैं बाद में। जाते जाते हमें एक दूसरा पार्क दिख गया,
सामने तो हम इधर आ गए देखने। ये देखो कितना इधर शांति है, इधर हाँ ये देखो कोई बर्ड है एक छोटी सी। अब यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है तो मैं जा नहीं सकती, ये रस्सी बंधी हुई है और वो डर जाएंगे। वो देखो नीचे अगर आपको दिख रहा हो एक बर्ड है, रेड कलर का हेड है उसका और बॉडी मल्टी कलर है। देखो कुछ कीड़े वीड़े खा रही हैं घास में। देखो बहुत शांति है यहाँ पे। तो ये देखो रास्ता, यहाँ पे आप एक्चुअल में अगर आओगे ना तो आपको उतना ऐसा फील होगा, वीडियो में तो ज़्यादा फील नहीं होता। ये देखो ऐसे घना जंगल लग रहा है, तो बहुत घना घना जंगल। ये देखो घना जंगल। बहुत शांति है यहाँ पे। चलो देखते हैं और आगे क्या है, इसमें चलते हैं रास्ते में। आओ बस ये थोड़ा सा ऐसे ही था क्रॉस करने के लिए, ये हम दूसरी तरफ आ गए गाड़ी की तरफ। पर अभी हमें पता नहीं कि हमारी कार यहीं पे है या कहीं और। बहुत बड़ा पार्क है ये, फैला हुआ है बहुत, और पार्किंग भी जगह जगह है, हर रोड पे पार्किंग है। तो अभी हमें याद नहीं आ रहा हम कहाँ से क्रॉस करके आए थे। तो अब इन स्टेप्स पे चढ़ेंगे और बाहर मेन रोड में जाके, आई थिंक वो है हमारी गाड़ी, सीधा हम अपनी गाड़ी की तरफ आए हैं। गाइस ये देख लो मैजिक हो गया, इस पार्क में आना लिखा था। ये देखो सीधा वो जो ग्रे वाली गाड़ी दिख रही है ना सामने, वो हमारी गाड़ी, हमने यहीं पार्क की थी। बिल्कुल सीधा गाड़ी की तरफ आए। ये रही MRC 868। चलो बैठते हैं और फिर आगे की वीडियो दिखाते हैं आपको बाद में। ट्रेन जा रही है देखो राइट साइड में येलो कलर की, ये ट्रैक हाँ बाहर बना हुआ है। और ये जो सामने होटल है ला क्विंटा करके, इसके सामने जो बिल्डिंग है ये मेरे ऑफिस वाला ही है होटल, इसी ट्रेन में और यही वो ट्रेन है जिसमें मैं आती हूँ। शॉपिंग मॉल तो नहीं जा रहे हैं, अब घर ही जा रहे हैं सीधा। तो शॉपिंग मॉल जब जाएंगे नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना हमारे, हम मॉल दिखाएंगे आपको, मॉल घुमाएंगे कि ऑकलैंड के मॉल्स कैसे होते हैं, और बढ़िया वाले मॉल जाएंगे ताकि ताकि सब कुछ आपको दिखा सकें अच्छे से। तो वी विल नाउ हेड टू आर होम। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और आने वाले टाइम में मैं आप सबके लिए ऐसे ही बहुत ही अच्छी और बढ़िया ऑकलैंड की वीडियोस लाने वाली हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड इन्जॉय लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ प्रेशियस। सो सी यू नेक्स्ट टाइम एंड
Please don't forget to subscribe to my channel and don't forget to watch my next video. Bye. Take care.